Hello and welcome all. This is Chahneet Kaur from Exchange for Media. Today we are in conversation with Upendra Rai, CMD and Editor-in-Chief of Bharat Express News Network. Hi sir, कैसे हैं आप? कैसी हो? बहुत बढ़िया. कैसा जा रहा है आपका दिन आज? दिन बहुत अच्छा जा रहा है और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भारत एक्सप्रेस ने बहुत सफलतापूर्वक बहुत गिनती के साथ ये पूरा एक साल का सफर पूरा किया है और इस सफर में एक्सचेंज फॉर मीडिया हमेशा हमारे साथ रहा है. शुक्रिया. और हमेशा अपना सहयोग देता रहा है और दुनिया को हमारे बारे में बताता रहा है, ये सबसे अच्छी बात है. मेरा एग्जैक्टली अगला सवाल यही था कि आपके चैनल को 1 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, आपके लिए जर्नी कैसे रही है पूरे एक साल, कैसे आप सार में बताना चाहें? तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मीडिया के धंधे में वही आदमी टिकता है जिसको पैसे को पानी की तरह बहते हुए देखने का शौक हो. ये बात मुझे जब सहारा श्री का रोल मेरे जीवन में बहुत बड़ा रहा है, वो नहीं रहे लेकिन अक्सर वो ये बात कहा करते थे कि एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता मीडिया चलाने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत लगता है. लेकिन वो ये कहते थे कि मैं मीडिया हाउस इसलिए चलाता हूँ कि मुझे एक गहरा सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसके जरिए सोशल सर्विस बहुत गजब की जा सकती है और उसको और नेक्स्ट लेवल पे मतलब लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है. तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा. बाकी जर्नलिज्म में मेरे गुरु उदय शंकर जी रहे, बड़े भाई की तरह उनका रोल रहा, उनसे मैंने सीखा. और इस चैनल को शुरू करने के पीछे सबसे ज़्यादा बार उन्होंने मुझसे कहा मेरी पिछली मुलाकातों में कि अब तुम्हारा जो सफ़र है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक मीडिया कर्मी के तौर पे काफ़ी लंबा हो लिया, अब तुम्हें कुछ अपनी एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू दिखानी चाहिए और अपना चैनल शुरू करना चाहिए. एक साल का सफ़र वैसे तो कहें तो कठिन भी रहा और आसान भी. आसान इन अर्थों में कि हम जो करना चाह रहे थे हमें वो करने से कभी किसी ने नहीं रोका. जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि सरकार का बड़ा दबाव है, ऐसे है वैसे है. और कठिन इन अर्थों में रहा कि हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं कहेंगे, हम लोगों की पृष्ठभूमि गांव से है, तो हम लोग किसान परिवार से हैं. तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस जुटाने का गुण सीखना, बेहतर प्रबंधन सीखना, कंपनी को कैसे रन करना है, कैसे सामंजस्य बिठाना है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये रहा कि जितने टैलेंट हम ले आए उन सबको कैसे एक साथ काम कराना है ताकि कंपनी को बेहतर आउटपुट मिल सके. सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये रहा कि लोग आपस में लड़े नहीं. और चूंकि मीडिया के बारे में एक बात सबको माननी पड़ती है कि जो मीडिया सेक्टर में लोग काम करते हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, सबकी बातों को कम ज़्यादा मानते हुए मुझे जो सामंजस्य बनाना पड़ा वो मेरे लिए एक बड़ी चुनौती रही. इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं स्वयं खुद का सहायक भी था और स्वयं खुद का मैनेजर भी था. उसमें बाकी लोग प्रॉब्लम क्रिएटर थे. जब मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या इससे कंपनी का काम प्रभावित हो रहा है, तो इन अर्थों में ये चैलेंजिंग रहा. बाकी मैं कहता हूँ कि ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है जिसके कारण जो है ये एक साल का सफर बहुत गरिमामय, बहुत जो है डिग्निटी के साथ हमने पूरा किया और आज हमारी सालगिरह है. ग्रेट, दैट इज अमेजिंग सर. ऑल्सो जिस पर्सपेक्टिव, जिस नज़रिए से आपने ये चैनल शुरू किया था एक साल पहले, क्या आपको लगता है अब वो नज़रिया कुछ वक्त के साथ, जर्नी के साथ बदल गया है या अभी भी वही पर्सपेक्टिव, उसी मोटिव के साथ आपको चैनल रन कर रहे हैं? इसी कमरे में आज से ठीक 4-5 दिन पहले आपके साथी रोहेल ने मेरा इंटरव्यू किया था एक्सचेंज फॉर मीडिया के लिए, तो मैंने ये जो बात बोली थी कि हमारा जो मिशन है, मोटो है, वो है नेशन फर्स्ट एंड वी आर द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया. नए भारत की आवाज़ है. और आज भारत जो है दुनिया की 5वीं से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में छलांग लगा चुका है. और भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है वो पूरे वर्ल्ड के, दुनिया के किसी देश की तुलना में सबसे मजबूत है. वो भी एक भारत की मजबूती का आधार है. और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को जितना सराहा और जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने वो लेके आए, उससे इंडिया की एक और नई ताकत का पता चला पूरी दुनिया को. पहले भी था लेकिन पहले के प्रधानमंत्रियों में
ये जो तत्परता थी या ये जो चीज को निकालने के लिए जो परिश्रम लगा वो काम किसी ने नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा मोटो है नेशन फर्स्ट एंड वी आर वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, एंड हमारा एक और मोटो था कि हम व्यूज कम दिखाएंगे न्यूज ज्यादा दिखाएंगे जी। उस जर्नी को तय करने में हमें थोड़ी जो है कमर्शियल या कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में सब लोग एक तरह से काम कर रहे होते हैं और आप उसके उल्टा काम करते हैं तो थोड़ा आपको मतलब अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन उस पर हम टिके रहे। और मैं कह सकता हूँ कि जो एक साल के इस सफर में न्यूज ज़्यादा और व्यूज कम दिखाने में हम सफल रहे, और इसका जो है श्रेय हमारी टीम को जाता है कि हमारी टीम ने भी उसमें हमें काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी साथ दिया। और ये एक साल का सफर इस रूप में जरूर जाना जाएगा कि हमने नूरा कुश्ती नहीं की, हमने मुर्गे नहीं लड़ाए स्क्रीन पे, हमने केवल खबरें दिखाई। बिल्कुल करेक्ट। आपका इम्पैक्ट डिजिटल पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, चैनल में ऑफ कोर्स इट हैज बीन नोन फॉर दैट, बट अब हमारे को हेडलाइंस पता लग रही थी कुछ टाइम पहले कि आप प्रिंट डोमेन में भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, प्रिंट डोमेन के लिए मैंने ऑलरेडी घोषणा किया हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आमतौर पे जो जिस नाम से हमारा चैनल है भारत एक्सप्रेस, वही डोमेन, वही नाम, वही RNI रजिस्ट्रेशन भारत एक्सप्रेस के ही नाम से हमें सरकार ने अलॉट किया है, और हमारा जो न्यूज़पेपर आएगा पहले एक ही साथ हम उसको लॉन्च करेंगे, करीब 5 एडिशन जिसमें दिल्ली NCR एडिशन होगा, लखनऊ एडिशन होगा, बनारस एडिशन होगा, गोरखपुर होगा और देहरादून से होगा। राइट। तो इतने एडिशन एक ही दिन एक ही साथ लॉन्च होंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि भारत एक्सप्रेस बाजार की लॉन्चिंग का लक्ष्य हमने मई में रखा है जी। मई में मुझे लगता है कि हमारी कोशिश है कि पहली मई तक, जिस दिन पत्रकारिता दिवस भी होता है और मजदूर दिवस भी होता है, तो उस दिन कोशिश है हमारी, हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कोशिश है कि भारत एक्सप्रेस बाजार की लॉन्चिंग मई में की जाए। बट सर, सवाल मेरा ये था कि आपके स्पेसिफिक डोमेन ने क्या गैप्स नोटिस करे प्रिंट इंडस्ट्री में जो आपका न्यूज़पेपर फिल इन करेगा, और कैसे, क्या लगा आपको कि कमी है यहाँ पे और हम ये चीज को एड्रेस कर सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए? देखिए, कमी या जगह, कहा जाता है कि डेविड लेवी को कानून का जनक कहा जाता है, लेकिन जब वो लॉ की पढ़ाई करने गए तो उनके पिताजी ने कहा कि अरे कहाँ इसमें जा रहे, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। उससे पहले भी वकालत का प्रोफेशन था, उससे पहले भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस आदमी को कानून के जनक की संज्ञा अगर मिली तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने फादर से कहा कि जहाँ भीड़ है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, जहाँ भीड़ नहीं है, एकदम एकांत है, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि ऊंचाई बड़ी असंग होती है, उसके साथ कोई नहीं होता। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ देखिए, बर्फीली हवाएं साएं साएं करके बहती रहती हैं, और वो ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली चोटियाँ ऐसे अकेले खड़ी रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे भारत एक्सप्रेस को एक साल मैंने चला के दिखाया और इसने न्यूज़ की दुनिया में एक बड़ी और अच्छी जगह बनाई, और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसको सराहा, मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े हस्ताक्षर और मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु उदय शंकर जी ने ही इसको पुश बटन दबा के लॉन्च किया था। और कल मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ देश में नहीं हूँ, लेकिन उनकी शुभकामनाएं मिली, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुमने एक साल इतना सफलतापूर्वक चैनल को चला के सबको चकित किया है। राइट। तो मैंने उनके इस सेंटेंस को आशीर्वाद के रूप में लिया, और मैंने कहा कि भाई आपका मार्गदर्शन और जो है सलाह जिससे मिलती रहती है वैसे आगे मिले तो और बेहतर करेंगे हम लोग। वेरी वेल। इस एक साल में आई एम श्योर आपके सामने कुछ बहुत चुनौतियां भी आई होंगी एज अ न्यू चैनल, फ्रॉम द रेवेन्यू मॉडल, एडवर्टाइजिंग मॉडल, ऑफ कोर्स वेरियस डिफरेंट कॉर्नर्स। आप क्या मानते हैं कि आपके टॉप 3 चैलेंजेस क्या रहे पिछले एक साल में एज न्यू चैनल? नए चैनल को चलाने के लिए खर्चे तो कम होते नहीं, खर्चे तो उतने ही लगते हैं, पैसे उतने ही लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज आपको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आपको कम्पीट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ऑफकोर्स रेवेन्यू जनरेशन एक बड़ा चैलेंज रहा। दूसरा रहा कि कैसे अच्छे लोगों का सिलेक्शन हो, कैसे अच्छी टीम बने, तो वो भी एक चैलेंज रहा, क्योंकि लोग तो बहुत हैं लेकिन अच्छे लोग आप ढूंढने जाते हैं तो वो मिलते नहीं। राइट। तो अच्छे लोगों को ढूंढना, उनको अपनी टीम में लाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा।
और तीसरा बड़ा चैलेंज ये रहा कि कैसे इतने टैलेंटेड लोगों को एक साथ बांध के काम किया जाए, क्योंकि जैसे होता है ना कि मेढक को आप तोलना चाहें तो छलांग लगा देता है, तो ठीक पत्रकारिता में काम करने वाले लोग भी मतलब विचार से बड़े उच्छृंखल होते हैं, बड़े त्वरा से भरे हुए लोग होते हैं, तेवर से भरे हुए लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस एक साल के सफर में एज अ हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी रहते हुए मेरे प्रति मेरे किसी साथी ने ऐसी शिकायत नहीं की जो मुझे एक भी पल के लिए याद आए। तो एज अ लीडर मैं मानता हूँ कि ये एक साल मेरा सफलतम साल होगा, क्योंकि सभी साथियों को कम ज़्यादा मैं संतुष्ट करने में, उनसे काम लेने में और उनके काम आने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मैं सफल रहा। लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग की टीम है जिसको वरुण कोहली जी लीड करते हैं वो बहुत अच्छी है, हमारे जो एडिटोरियल की टीम है जिसके ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत किया और कठिन समय में रात रात भर ऑफिस में रुक के अकेले भी काम किया। तो चैलेंजेस तो रहे, लेकिन जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने चैनल लॉन्च किए उनको जितने चैलेंजेस फेस करने पड़े उसकी तुलना में मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, लकी रहा कि मुझे बहुत कम चैलेंजेस फेस करने पड़े। वाह बहुत बढ़िया। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके चैनल का एक बहुत ही हर मीडिया डोमेन के लिए एक बहुत ही बूस्ट होने वाला पीरियड है, हाउ विल यू मेक श्योर कि आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा आईबॉल्स रहे इस दौरान? देखिए क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे, नया करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। वॉल्टेयर एक थिंकर हुए, उन्होंने कहा कि कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन, मतलब कि सहज सरल रहना ही कठिन है। बिल्कुल, हम अपने चैनल को ठीक एक शीशे की तरह, एक दर्पण की तरह रखेंगे कि उसके सामने जो आए उसकी सही सही इमेज दिख जाए। और मैं मानता हूँ कि जल निगम का सबसे बेहतरीन उदाहरण और बेहतरीन नमूना यही है कि जो हो उसी को रिपोर्ट करो, उसको उस पर लीपा पोती करके अपने रंग न चढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि मैं सामान्य साधारण एक दर्पण की तरह रहूंगा तो मुझे लगता है कि आई बॉल्स अपने आप आ जाएंगे मेरी तरफ। अमेजिंग, वेरी वेल सेड। अब लास्ट क्वेश्चन, विद द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके पास है, आपने टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री को पूरा इवॉल्व होते हुए देखा है। बिल्कुल। आप एक तो पिछले कुछ सालों में कैसे टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है और आगे आने वाले 2024 में आपको क्या लगता है, क्या नए एवेन्यूज आने वाले हैं, क्या नई चीजें आने वाली है टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में? देखिए जो समय है, समय की रेखा है, वो बदलाव का एक तरीके से रन डाउन है। और टीवी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कितना बदली है ये सब लोग देख रहे हैं। पहले हम बड़ी बड़ी ओबी बैंस लेके जाते थे लाइव करने के लिए, अब यहाँ लाइव हो रहा है एक छोटा सा डिब्बा है, छोटा सा एक कम्युनिकेटर है, उसमें चार सिम लगे हुए हैं और हम लाइव देख रहे हैं। तो एक तो है कि टेक्नोलॉजी जो है बड़े आकार से छोटे आकार में आ गई, कैसे 1 TB की एक चिप आ रही है जिसमें आप 1 TB डेटा रख सकते हैं, यानी 1000 GB इक्वल टू 1 TB। तो एक तो टेक्नोलॉजी जिस तक तेजी से बदल रही है, अब वर्चुअल दुनिया जिस तरीके से हमारे जीवन में घर बना चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे मोबाइल में चिप लगाने से हम किसी टावर से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आने वाले कुछ ही दिनों में, सालों में नहीं कुछ ही दिनों में मैं कह रहा हूँ कि हम वर्चुअल टीवी कहीं भी अपने हाथ में एक छोटा सा बटन होगा और उसको दबाएंगे और सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जो वर्चुअल स्क्रीन होगी, उस पर हम जो चाहेंगे देख सकते हैं, दुनिया में जिससे चाहें जुड़ सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन वो पर्टिकुलर है, अभी जनरल फॉर्म में नहीं है। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी जनरल फॉर्म में आ जाएगी और लोग और ज़्यादा इवॉल्व होंगे। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मुझे लगता है कि आगे आने वाले जर्नलिज्म का एक तरीके से जर्नलिज्म की नई लैंग्वेज बन के आएगा। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सचेंज फॉर मीडिया 40 में मैंने ये बात बोली थी, सोशल मीडिया ने आम आदमी को बहुत सशक्त और पावरफुल बनाया है। मैंने उस दिन ये भी बोला था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्मिंदा होना पड़ा मणिपुर की उस घटना के बारे में। अगर सोशल मीडिया पे किसी आदमी ने अगर वो वीडियो नहीं डाला होता तो वहाँ पे पूरी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी थी 2 महीने से और किसी ने उस घटना को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया की एक क्लिप ने पार्लियामेंट में उबाल ला दिया, देश में उबाल ला दिया, सुप्रीम कोर्ट में हरकत हो गई और बेंच बैठी और बड़ा डिसीजन हुआ, बड़े लेवल पे वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस
डिप्लॉय की गई और मणिपुर में शांति बहाल हुई। तो मैं कह सकता हूं कि आज के रेट में हमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को बेहतर टूल बना के काम करने की ज़रूरत है, और उससे मुझे लगता है कि आम आदमी को, समाज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और आम आदमी की उम्मीदों को परवान चढ़ाने में जिस तरीके से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने काम किया है, उस तरीके से मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा पिछड़ गया है। जी बिल्कुल, आई एग्री। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड अच्छा डिस्कशन रहा। अगेन हाचीज कंग्रेचुलेशंस इन कंप्लीटिंग वन ईयर टू द चैनल सर। थैंक यू सो मच ऑडियंस, प्लीज बी स्टेइंग ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर्स विद ऑल द अदर न्यूज़ चैनल हेड्स। थैंक यू सो मच।